हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा वीडियो फिर से कार पे होने वाला है, क्योंकि इस बार मेरा पूरा मन था कि मैं बाइक पे वीडियो बनाऊं, लेकिन मेरे तरफ 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण कि मैं बाइक पे वीडियो नहीं बना पा रहा हूं। तो एक्चुअली मैंने एक कार नॉब ऑर्डर किया था जो आज आ चुका है मेरे पास, तो मैं सोचा आज इस पर ही मैं वीडियो बना लेता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं सबसे पहले वो प्रोडक्ट आपको दिखाता हूँ, फिर इसको हम इंस्टॉल करेंगे। तो यह है कार गियर नॉब, क्योंकि ये बैटरी ऑपरेटेड है तो इसके साथ चार्जर भी दिया गया है। और ये कार चार्जर है, इसको आप सिर्फ सिगरेट लाइटर सॉकेट में ही यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ ये चार्जर केबल है, और तो कुछ इस डब्बे में है नहीं। और ये मैंने लगभग 1700 रुपये का अमेज़ॉन से परचेस किया है। और इस गियर नॉब में RGB LED लगी हुई है, जिसमें कि आपको 7 डिफरेंट कलर्स देखने को मिलेगा। और इसमें टच सेंसर है, तो जब भी आप इस नॉब को टच करेंगे तो LED ऑन हो जाएगा। और ये LED लाइट ऑटोमेटिक 30 सेकंड के बाद ऑफ हो जाता है, अगर आप इसको टच नहीं करते हैं तो। और यहाँ पे चार्जर स्लॉट दिया गया है, और जैसा कि साइट पे मेंशन किया हुआ था कि इसमें 3 डिफरेंट थ्रेड स्लॉट दिया गया है, 8mm, 10mm, 12mm, जिससे कि आप इसको किसी भी कार में यूज़ कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं इसको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो इंजन को ऑफ कर लेना है, और इंजन को ऑफ करने के बाद इस नॉब को लेवर से निकाल लेना है। तो इसको निकालना काफ़ी आसान है, इसको बस ट्विस्ट करना। और इस तरह से घुमा घुमा के इसको निकाल लेना है। और अब इसको हम इंस्टॉल करेंगे, तो इसको थोड़ा पहले प्रेस करना है। इसका नॉब का जो थ्रेड है और जो लेवर का थ्रेड है, वो जाके आपस में कांटेक्ट में आएगा। तो यहाँ पे ये इंस्टॉल हो चुका है, इसके लिए चार्जर भी दिया गया है। इधर जो स्लॉट दिया गया था उसमें इसको लगा लेंगे, जैसे चार्जिंग करते हैं हम वैसे ही। तो जैसे ही इसको चार्ज में आप लगाएंगे तो इस तरह से जो LED वो ब्लिंक करेगा। और चाहे तो आप इसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, चार्जिंग में भी लगा के आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सेफ्टी पर्पज़ के लिए मैं आपको इसको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको चार्ज में लगा के और फिर अपने कार को यूज़ करें। और 20 से 30 मिनट में ये फुल चार्ज हो जाता है, और जैसे फुल चार्ज होगा तो यहाँ पे ये कांस्टेंट हो जाता है LED। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो LED है वो कांस्टेंट हो गया है, तो इसका मतलब फुल चार्ज हो चुका है ये। तो इसको चार्जिंग से अब हम डिस्कनेक्ट कर देंगे, और जो केबल है इससे निकाल लेना है। तो जैसा कि इसमें टच सेंसर दिया गया है, तो जैसे ही आप इस पे हाथ रखेंगे तो LED ऑन हो जाएगा, और इसमें 7 डिफरेंट कलर्स चेंज होता रहेगा इस तरह से। और जब आप इसको यूज़ नहीं करेंगे तो ये 30 सेकेंड के बाद ये अपने आप ही बंद हो जाता है। तो लुक वाइज तो ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है, और ख़ासकर जब LED ऑन होता है तो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। और क्वालिटी वाइज ये मुझे एवरेज लग रहा है, अगर हम कार वाले नॉब से अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो। अगर हम ग्रिप की बात करें तो जो मेरे कार में लगा हुआ है वो मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है। अगर मैं अभी पकड़ा हुआ हूँ अपने हाथ में, तो ग्रिप भी मुझे लग रहा है कि मेरे कार में जो पहले से लगा हुआ है वो ज़्यादा बेटर है। बाकी लुक वाइज आपके कार पे ये काफ़ी बढ़िया लगने वाला है, और ये काफ़ी लाइट वेट है अगर हम कंपेयर करते हैं अपने कार वाले से तो। तो इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अगर हम इस दोनों ही नॉब को कंपेयर करें, मतलब जो कंपनी वाला नॉब है मेरे कार का और जो RGB वाला नॉब है, तो दोनों के बीच का जो बिल्ड क्वालिटी है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको मिलेगा। क्योंकि RGB वाला का जो बिल्ड क्वालिटी है मुझे बिलो एवरेज लगा, और वैसा आप फील भी नहीं करेंगे जैसा कि आपको कंपनी वाले में फील होता होगा जब आप उसको यूज़ करते हैं। और दोनों का जो ग्रिप है उसमें भी काफ़ी डिफरेंस है। बाकी लुक से अगर कंपेयर करते हैं तो ये RGB वाला का जो लुक है वो काफ़ी बढ़िया है। तो मैं आपको इसको हाईली रिकमेंड तो नहीं करूँगा कि आप इसको परचेज़ करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।